ये वो बिल्डिंग है जिसमें जो भी जमशेदपुर वाले एस्पिरेंट्स थे उनका इंटरव्यू इसी बिल्डिंग में हुआ था। इस बिल्डिंग में भी हम कभी नहीं गए हैं। गए हैं इस बिल्डिंग में प्रोफेसर सारंगी के बहुत सारे सेशन हुए हैं, तो मुझे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासरूम एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिला है। तो फिर भले ही चार लोग हों लेकिन मैं क्लास में बैठा था तो मुझे बहुत ये सिर्फ CDC को मिला है ये मौका, और उन लोगों को जो कि अनप्लेस रह गए थे, बाकी कोई किसी ने देखा नहीं है कि ये बिल्डिंग किस लिए यूज होती है। लड़ लो दोनों। इसी बिल्डिंग में जहाँ पर वेंकटेश प्रसाद और जवाहर श्रीनाथ बैठे थे मैं भी वहीं बैठा था। प्रोफेसर ने मुझे बताया था यू आर सिटिंग वेयर वेंकटेश प्रसाद सैट। तो ये भी बात हमें नहीं बताई गई, ये भी हमारे साथ गलत हुआ। अब अपन चलते हैं इस रास्ते पे जहाँ पे टी शर्ट मिली थी हमें। टी शर्ट मिली नहीं थी, हमने बटोरी थी टी शर्ट। आपको वो रास्ता दिखाऊंगा मैं जहाँ पे हम टी शर्ट बटोरने गए थे, कुछ भी जो भी हाथ में आया वो सब बटोर के लाए थे। अब यहाँ पे चलते हैं प्राइड फॉर एवर, जो कि हमारा टी शर्ट और कैंपस मर्केंडाइज शॉप था, जो कि कोविड की वजह से बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि वो खोल नहीं पा रहे थे, एक साल से ये बंद पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम आए एक दिन, तो बहुत पैसा खर्च किया। तो हमारे दो लोग हैं, उन्होंने 25,000 की शॉपिंग करी यहाँ पे, मतलब बहुत पैसा उनके पास, हमारे पास नहीं था, हमने 1,000-2,000 में डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे बिशूज़ कैंटीन है, ठीक है। इस बिशूज़ कैंटीन में मेरी खुद की पर्सनल, मैंने सोचा था कि यहाँ पे आऊँगा तो मैं पराठे खाऊँगा, क्योंकि जब मैं एडमिशन के समय यहाँ आया था तो मैं पराठे खा के गया था, बहुत अच्छे पराठे बनाता था। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपन MDP रेजिडेंस की तरफ। चलो, तो ये हमारा MDP रेसिडेंस है, एंड दिस इज़ वेयर आई वॉज क्वारंटाइन व्हेन आई केम हियर, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन, सो इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी। लोगों ने बताया था मच्छर बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, हर चीज़ यहाँ आके एक्सपीरियंस हुई थी। और इसके पीछे है भारी लोग जहाँ पे मुझे लोग मिलने आते थे, और उसके ऊपर है मधुमक्खी का छत्ता, राइट। और ये देख सकते हैं हमारा झरना जो कोई काम का नहीं, स्टैग्नेंट पानी वापस करता है, बट रेनबो देखने लायक है। यहाँ के रूम्स काफी अच्छे हैं। हाँ, रूम्स भी देख लेते हैं। अब देखिए, आपको कुछ यहाँ ऐसा अनुभव होगा जो मुझे खुद हुआ था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। ये होटल टाइप्स लगता है, एंड व्हेन आई वाज देयर, ओह माय गॉड, मेरे को जो फीलिंग आई थी, XLRI इतना अच्छा हॉस्टल देगा, एंड इट वाज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। बट फिर कुछ लोगों ने बताया, अच्छा यहाँ ऐसा रूम नहीं है हमारा, तुमको नॉर्मल सा रूम मिलेगा। सो देयर आई वाज बैक टू रियलिटी। ये रहा सैंपल रूम, MDP रेजिडेंस के रूम्स होते हैं इस तरीके के। इसमें TV भी होती है जो कि हमें और हॉस्टल्स में नहीं मिलती है। वॉशरूम भी अच्छा है, देखिए डिजाइनर भी है।